नेपाल के राजधानी काठमांडू में बुधवार को विमान हादसा हुआ, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। जिस त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ उसके बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। आखिर क्यों यहां से उड़ान भरना खतरे से खाली नहीं होता, इस रिपोर्ट में समझते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को प्लेन हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। विमान में 19 लोग सवार थे। हादसे की अभी जांच पड़ताल चल रही है, असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हादसा कैसे हुआ इसकी तस्वीरें जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। बुधवार को काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट में विमान टेक ऑफ कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसमें जोरदार धमाका होता है और प्लेन आग के गोले में तब्दील हो जाता है। लेकिन इतने भयंकर हादसे में भी एक शख्स बच जाता है जिसकी उम्मीद काफी कम थी। विमान के पायलट मनीष शाक्य ने मौत को मात दी है। हादसे के बाद प्लेन के पायलट मनीष शाक्य को अस्पताल ले जाया गया। अभी काठमांडू के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसा इतना भयंकर था कि किसी के बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन इससे चमत्कार ही कहें कि पायलट की जान बच गई। रेस्क्यू टीम ने बताया कि मनीष को धधकते प्लेन के मलबे से बाहर निकाला गया तो उनकी हालत बेहद गंभीर थी। अस्पताल में उनकी आंख और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी चल रही है। विमान में सवार लोग इंजीनियर और टेक्नीशियन थे, लेकिन 18 लोगों की जान बच नहीं पाई। विमान में आग फैलने की वजह से को पायलट ने अपनी जान गंवा दी। सौर एयरलाइंस का ये विमान इंजन टेस्टिंग के लिए पोखरा जा रहा था। विमान रनवे पर ही फिसल गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ था। हालांकि जिस त्रिभुवन एयरपोर्ट से ये दुर्घटना हुई उसके पीछे रनवे की वजह बताया जा रहा है, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर टेबल टॉप रनवे बनाया गया है जो बाकी एयरपोर्ट के मुताबिक काफी जोखिम भरा होता है। नेपाल के विमान क्रैश के बाद टेबल टॉप रनवे एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। नेपाल में हुई इस दुर्घटना से पहले भी हवाई यात्रा के खराब रिकॉर्ड देखने को मिले हैं, जिसकी वजह टेबल टॉप रनवे है। इस तरह के रनवे में विमान को टेक ऑफ लैंड कराने के लिए बेहद खतरा होता है। अब जानते हैं कि ये टेबल टॉप रनवे होता क्या है। एयरपोर्ट पर टेबल टॉप रनवे वो होता है जो आसपास के इलाके के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर बना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि रनवे के एक या एक से ज्यादा तरफ ढाल होती है। ऐसे में रनवे पर पायलट के लिए काफी चुनौतियां सामने आती हैं, क्योंकि गलती की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। अगर विमान रनवे से आगे निकल जाए तो उसके नीचे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। आज से 34 साल पहले भी काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 167 यात्रियों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।